हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मुनीबास किचन और आज मैं बनाऊंगी चिकन पॉट पाई। यस, चिकन पॉट पाई। आई एम श्योर अगर आप मेरे साथ ये एक बार बनाएंगे तो इसके टेस्ट को भूल नहीं पाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पका हुआ चिकन। नया चिकन बनाना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपके फ्रिज में पहले से बना पड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह श्रेड कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है बारीक बारीक। आप ये हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और नाइफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा सही लगता है कि मैं हाथ से करूँ ताकि कोई बोन्स रह ना जाए इसके अंदर। और ये श्रेडेड चिकन आपने लेना है तकरीबन 3 कप या 4 कप। आप इससे कम भी ले सकते हैं अपने पाई के हिसाब से कि जितना आप बनाना चाहते हैं। तो इसको मुकम्मल तौर पर बोनलेस कर लें, इसको बारीक बारीक काट लें और ये मेरा चिकन तैयार हो चुका है। अब मैं लूँगी 8 ounces ऑफ मशरूम, या आप 1 कप भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह स्लाइस कर लिया है, देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन पकने के बाद बहुत कम रह जाएगा। अब नेक्स्ट एक मीडियम साइज़ का अनियन बहुत छोटा छोटा करके चॉप कर लें और साइड पे रख लें। अब लिए 3 अदद लहसुन। किसी भी रेसिपी में अगर जायका लाना चाहते हैं तो उसमें बस लहसुन डाल दें थोड़ा सा। इसको छील कर नाइफ़ की मदद से ज़रा दबा दें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारीक भी हो जाता है और अपना जायका कंप्लीट छोड़ देता है। बारीक चॉप करके एक प्लेट में डाल लिया। ये हो गए मेरे सब इंग्रेडिएंट्स तैयार। तो अब आते हैं स्टोव की तरफ। अब एक पैन में 6 टेबलस्पून बटर मक्खन डाल दिया और बटर मेल्ट होते ही इसमें बटर को मेल्ट होने दें पहले अच्छी तरह। जब ये पूरी तरह मेल्ट हो जाए तो इसमें एक कटा हुआ प्याज जो कि हमने पहले चॉप किया था और 1 कप कटी हुई बारीक कटी हुई गाजर डाल दी और इसे 8 मिनट तक हिलाएं या जब तक ये दोनों सॉफ्ट ना हो जाएं। इसे कुछ देर के लिए कवर भी कर सकते हैं ताकि बारीक कटा हुआ प्याज और गाजर बहुत अच्छी तरह नरम हो जाए। अब नेक्स्ट इसमें 1 कप मशरूम जो हमने पहले काटे थे और कुछ लहसुन फिर डाल दें और इसको अच्छी तरह हिलाएं और 5 मिनट तक इसको फिर कवर करके रख दें ताकि ये मशरूम भी सॉफ्ट हो जाए। और मशरूम को पकाने से पहले इसे अच्छी तरह धोकर 10 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख दें ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट है वो नीचे बैठ जाए। अब इसमें 1/4 कप मैदा डालकर ऑल पर्पज़ फ्लावर डालकर फिर 2 मिनट के लिए पकाएं। इस मैदे को डालने से आपका मिक्सचर बहुत गोल्डन हो जाएगा और कुछ गाढ़ा भी हो जाएगा। अब इसमें 2 कप चिकन की यखनी और 1 कप हैवी क्रीम डाल दें जिसे आप बालाई भी कहते हैं। कुछ देर के लिए कवर कर दें और इसे 2 मिनट तक पकने दें जब तक ये थिक ग्रेवी ना बन जाए। अब इसमें डाला हमने अपना श्रेडेड चिकन और 1 कप मटर। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर 5 मिनट तक पकने दें जब तक कि अपना जायका ना छोड़ दे और थोड़ा थिक ना हो जाए। और मज़ीद जायके के लिए इसमें डाला मैंने 1/4 कप फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ। ये देखिए ये उबलने लग गया है और 5 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे। मैंने अपने जायके के हिसाब से इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड पेपर डाली है, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें और मसाला ऐड किया जा सकता है। अब ये मैंने एक 9-inch पाई क्रस्ट ली और उसमें अपना हाफ मिक्सचर डाल दिया। ये मेरी होममेड पाई क्रस्ट है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसको बनाने का तरीका। अब एक और पाई क्रस्ट लेके उसको चारों तरफ से इसके ऊपर लगा दो और एक्स्ट्रा का हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिएगा। अब एक फोर्क की मदद से इसको चारों तरफ से सील कर दिया ताकि इसकी गैस, इसकी हवा बाहर ना आ सके और अंदर वाली चीज़ों को मुकम्मल जायका मिल सके। अब एक छुरी की मदद से 2 इंच के फासले पर कट लगा लें ताकि इसकी स्टीम बाहर निकल सके। अब एक अंडा फेंट कर ब्रश की मदद से इस पाई के ऊपर बराबर लगा लें जो इसे ऊपर से गोल्डन ब्राउन और प्यारा सा कर देगा। अब इसके ऊपर कुछ नमक, काले मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर आप छिड़क सकते हैं जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। अब अपना ओवन ऑन किया 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और ये 30 से 35 मिनट लेगा पकने में, या आप इसको मुसलसल चेक करते जाइएगा जब तक कि इसका टॉप पाई क्रस्ट बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती।
अवन से निकालकर 15 मिनट के लिए इसे बाहर एक साइड पर रख दें ताकि कुछ ठंडी हो जाए, और एहतियात से निकालिएगा, ये बहुत गर्म होती है। और ये देखिए मेरी चिकन पॉट पाई बनकर तैयार हो चुकी है। वैसे ये एक मुकम्मल खाना है जिसमें सब्ज़ी, चिकन और पाई क्रस्ट सब है। बहुत ही टेस्टी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ हर ट्यूसडे और सैटरडे को। बाय बाय।